सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। लखनऊ में सेवा सप्ताह की हुई शुरुआत, पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने की कार्यालय की सफाई, दिनेश शर्मा ने पेंट किए जंग लगे गेट। सेवा सप्ताह उद्घाटन कार्यक्रम में बोले डॉक्टर दिनेश शर्मा, हम अक्सर औपचारिकता करते हैं लेकिन स्वच्छता के महत्व को नहीं जान पाते। बच्चे जो सीखेंगे उसी से भविष्य में मार्गदर्शन करेंगे। सभी विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलेगा। पीएम मोदी को मिले 2700 से ज्यादा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी। ऑक्शन से मिलने वाली धनराशि का गंगा के संरक्षण और नदी को नवजीवन देने के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान। छोटे डिफॉल्टर्स पर नहीं चलेगा आपराधिक मुकदमा। वित्त मंत्री ने कहा महंगाई दर 4% से नीचे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आर्थिक सुधार के लिए सरकार उठा रही है जरूरी कदम, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत से वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात संवर्धन की योजना की जगह निर्यात होने वाली वस्तुओं पर शुल्कों व करों की वापसी की व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस बदलाव के कारण निर्यातकों को 50,000 करोड़ की कर राहत मिलेगी। बकौल सीतारमण, इससे निर्यातकों को ज्यादा बेहतर ढंग से रियायत मिलेगी। सीएम योगी ने चित्रकूट को दी सौगात, पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, रोपवे का किया उद्घाटन और महिलाओं को बांटे जूट के थैले। फिरोजाबाद में सीएम योगी ने साधा सपा बसपा पर निशाना, कहा पहले जनता की नहीं अपने परिवार के बारे में सोचती थी सरकार, हमने दी है 2.25 लाख से ज्यादा नौकरियां। अलीगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। सपा बसपा कांग्रेस पर साधा निशाना। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान, रामपुर में अखिलेश का बड़ा बयान, सपा सरकार में आजम के सभी मुकदमे होंगे वापस। अखिलेश ने कहा सभी FIR की कॉपी लेकर जा रहा हूं, कहा लोकतंत्र के जिम्मेदार लोगों से मिलूंगा। रामपुर में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा सपा सरकार में वापस होंगे आजम पर लगे सारे मुकदमे, सभी FIR की कॉपी लेकर जा रहा हूं। अखिलेश ने जौहर विश्वविद्यालय का किया दौरा। रामपुर से लौट रहे अखिलेश यादव के काफिले ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, मुरादाबाद में बिना टोल चुकाए निकली 150 से ज्यादा गाड़ियां। दिल्ली लखनऊ NH24 पर हूटर बजाते निकली गाड़ियां, रामपुर में आजम के समर्थन में पहुंचे थे अखिलेश यादव। रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं होने पर भड़के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। लखनऊ में मुलायम परिवार को बड़ा झटका, सरकार ने लोहिया ट्रस्ट की बिल्डिंग छीनी, सरकार ने लोहिया ट्रस्ट का बंगला कराया खाली, मुलायम अध्यक्ष और शिवपाल हैं ट्रस्ट के सचिव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई शीर्ष नेता ट्रस्ट के सदस्य हैं। लोहिया ट्रस्ट की यह बिल्डिंग शिवपाल यादव की पार्टी के कब्जे में थी और पिछले कुछ महीने से इसका बाजार दर पर किराया वसूला जा रहा था। राज्य संपत्ति विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की है। राज्य संपत्ति विभाग ने एक्शन लेते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच लोहिया ट्रस्ट को कब्जे में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगला खाली करवाने के आदेश दिए थे। अयोध्या में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित हिंदी प्रचार प्रसार संस्था द्वारा एक कार्यक्रम में उद्यान मंत्री श्री राम चौहान पहुंचे अयोध्या। उद्यान मंत्री श्री राम चौहान का बयान, चिन्मयानंद मामले में SIT कर रही है जांच, जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर होगी कार्रवाई। नए मोटर व्हीकल एक्ट पर सरकार के समर्थन में आई सोनिया गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों को दी विरोध न करने की सलाह, चालान नियम पर सरकार के साथ सोनिया गांधी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी सोनिया गांधी के फैसले पर कहा कि पार्टी इसका विरोध नहीं जताएगी। अयोध्या पहुंचे BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कांग्रेस नेताओं पर हमला, पी चिदम्बरम मामले पर कहा अभी कांग्रेसियों के अंदर जाने का है नंबर। कांग्रेस नेताओं को बताया अलीबाबा के 40 चोर, कहा कुछ कट्टरपंथी लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं लेकिन मंदिर तो बनकर रहेगा। छात्रा के आरोपों से घिरे स्वामी चिन्मयानंद को SIT ने गुरुवार देर शाम पूछताछ के लिए पुलिस लाइन स्थित अस्थायी दफ्तर में बुलाया। वो अपने वकील के साथ पहुंचे लेकिन SIT ने उनसे अकेले में बात की, देर रात तक उनसे पूछताछ होती रही है। शाहजहांपुर चिन्मयानंद केस में SIT की बड़ी कार्रवाई, SIT की टीम ने चिन्मयानंद के दिव्य धाम और लॉ कॉलेज को किया सीज, आवास से गायब मिले स्वामी चिन्मयानंद। UP के जालौन के श्री गांधी इंटर कॉलेज में लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा अज्ञात लोगों द्वारा तोड़े जाने का मामला सामने आया है। बतौर पुलिस प्रतिमा दोबारा लगा दी गई है और जांच जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कायरों
मूर्तियों पर हमला करके इन महापुरुषों की महानता का एक अंश भी तुम हिला डुला नहीं सकते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की जगह पश्चिम चंपारण से सांसद संजय जायसवाल को बिहार और आमेर के विधायक सतीश पुनिया को राजस्थान प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया। गौरतलब है कि राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद मदन लाल सैनी के निधन के बाद करीब 3 महीने से खाली था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को पूरे देश की भाषा बनाने के लिए इसके प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहा है कि दूसरी भारतीय भाषाओं की उपेक्षा किए बिना 2024 तक हिंदी को बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के देश की एक भाषा वाले बयान के बाद कांग्रेस ने कहा है, भाषाई विविधता हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत रही है। कांग्रेस ने कहा, भारत तो एकता के सूत्र में बंधा ही हुआ है, आपकी विचारधारा से ही उसे खतरा है, भाषाओं से नहीं। बकौल शाह, सिर्फ हिंदी देश में एकता ला सकती है। आज से पितृपक्ष की शुरुआत, पिंडदान श्राद्ध और तर्पण करने वालों का गंगा किनारे लगा जमावड़ा। 28 सितंबर तक पितरों की मुक्ति के लिए हजारों भक्त पिंडदान करने पहुंचे। 28 सितंबर तक पितरों की मुक्ति के लिए हजारों भक्त पिंडदान करने पहुंचे। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। गोवा के एक मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में कॉमन सिविल कोड ना लागू होने पर जताई नाराजगी, गोवा में लागू है कॉमन सिविल कोड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने डीप स्पेस नेटवर्क के साथ भारत के चंद्रमा लैंडर तक सिग्नल भेजने व संपर्क स्थापित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। विक्रम लैंडर से संपर्क करने के लिए अब नासा भी इसरो की मदद कर रही है। भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। भारतीय सेना अपने अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार को भारत चीन बॉर्डर के पास तैनात करने की योजना बना रही है, जिसमें चीन के साथ लगी अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर नए M777 अल्ट्रा लाइट हॉबिट्जर तोप और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को तैनात किया जाएगा। उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक अंतर्गत आने वाले गरीब असहाय बच्चों के लिए बने कस्तूरबा गांधी आवासीय भवन में रहने वाले बच्चे इन दिनों त्वचा संबंधी रोगों से पीड़ित हैं और अब तक कोई भी मेडिकल टीम स्कूल में नहीं पहुंची है जो उनका इलाज कर सके। खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का चमोली दौरा हुआ रद्द। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने चमोली जिले के विभिन्न ब्लॉकों और तहसीलों में पिछले दिनों में आपदा से हुए नुकसान की बैठक में पहुंचना था। सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और तो और फर्श पर तड़पती महिला को ना स्ट्रेचर मिला ना ही एम्बुलेंस। थक हार कर परिजनों ने प्राइवेट गाड़ी बुलाकर मरीज को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। थाना हाथरस जंक्शन पुलिस ने नकली शराब बनाने के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है और इस रैकेट में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से नकली शराब की 70 पेटियां, इसे बनाने की सामग्री, केमिकल और एक बुलेरो पिकअप गाड़ी बरामद की है। पितृपक्ष के पहले ही दिन तीर्थराज प्रयाग में संगम पर हजारों श्रद्धालुओं ने पिंडदान व तर्पण किया और त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाई और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पितृ मुक्ति का प्रथम व मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से प्रयाग में पिंडदान का विशेष महत्व है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ अब विकराल रूप लेती जा रही है। बाढ़ का पानी तमाम मोहल्लों व गांवों में घुसने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां कई सड़कें और रास्ते भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ का पानी भरने से तमाम इलाकों का संपर्क बाकी जगहों से कट गया है। मछली पकड़ने नदी में उतरे 3 लोगों को देर रात रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया है। मामला ललितपुर के गोविंद सागर बांध का है, जहां कल सुबह बांध के गेटों के पास से मछली पकड़ने नदी में 3 लोग उतरे थे, लेकिन बांध में पानी का जलस्तर खतरे के निशान तक आने के चलते बांध के 18 गेट खोल दिए गए और नदी में बीचों बीच बने टापू पर 3 लोग फंस गए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव रामपुर मोहम्मद आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे। मोहम्मद आजम खान पर लगाए जा रहे मुकदमों को लेकर अखिलेश यादव का 2 दिवसीय दौरा रामपुर का रखा गया है। संभल व आसपास के जिलों से सपाई रामपुर के लिए अपने वाहनों से रवाना हुए। इस बीच पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने जन सैलाब को रोकते हुए चंद सपाइयों को ही रामपुर जाने दिया। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला सहित 4 अंतर्राष्ट्रीय ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 1 मिलियन फर्जी अमेरिकन करेंसी, 2-2 सौ रुपए की फर्जी ईरान की करेंसी, अमेरिकन और ईरान की करेंसी के प्रमाण पत्र सहित 2 सोने की धातु भी बरामद की है। कुशीनगर जनपद के रविन्द्र नगर जिला मुख्यालय स्थित सेंट्रल बैंक के विकास भवन शाखा में लगा सायरन सुबह अचानक बजने लगा।
उधर से मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने सायरन की आवाज सुनी और इसकी सूचना फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस को दे दी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। पीलीभीत में शौच को गई दलित नाबालिग लड़की को दो लोगों ने तमंचे के बल पर बंधक बनाकर 7 घंटे तक गैंगरेप किया। किसी तरह से छूट कर आई पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरिद्वार में नशे की रोकथाम को लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड अशोक कुमार के नेतृत्व में उत्तराखंड में नशे को रोकने के लिए नशे के विरुद्ध व्यापक प्रचार प्रसार के अभियान को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें एसएसपी समेत कई छात्रों ने भाग लिया। हरिद्वार पीएससी में प्रदेश स्तर की 19वीं तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में 12 जिले की टीम सहित 6 पीएससी की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। दूसरे दिन इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जीते हुए खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर उनकी हौसला अफजाई की। देहरादून में राज्य विधि आयोग की बैठक में कृषि नीति, राजस्व एवं बेनामी संपत्ति अधिनियम विषय पर समय व परिस्थिति के अनुसार जनहित में कानून परिवर्तन विषय पर चर्चा की गई। बैठक में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में स्वैच्छिक चकबंदी की अवधारण होते हुए भी इसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप राज्य चकबंदी अधिनियम में आंशिक चकबंदी को भी कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। नोएडा के सेक्टर 22 में एक महिला के कुत्ते ने बेकाबू होकर एक डेंटिस्ट को काट लिया, जिसके बाद पीड़ित ने महिला के ऊपर कुत्ते को काबू में ना करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। कासगंज जनपद के अमापुर विधानसभा के भाजपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह और उनके बेटे की गुंडई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देवेंद्र प्रताप और उनका बेटा कृष्ण राजपूत अमापुर ब्लॉक के ऊंचा गांव के प्रधान उदयभान सिंह और उनकी क्षेत्र पंचायत सदस्य पत्नी के साथ गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उनका बेटा कृष्ण राजपूत और विधायक के गुर्गे इस प्रधान और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। बाराबंकी जिले में स्कूल प्रबंधक सुभाष चंद्र को एक खत मिला है, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की बात कही गई है, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और स्कूल परिसर के चप्पे चप्पे की जांच हुई और कहीं भी कुछ नहीं मिला। वाराणसी में बीएचयू गेट पर प्रदर्शन, छात्राओं ने किया धरना प्रदर्शन, प्रोफेसर पर लगाया था छेड़छाड़ का आरोप, प्रशासन ने चेतावनी देकर छोड़ा, सख्त कार्रवाई न होने पर भड़की छात्राएं। मेरठ में बीच सड़क पर मर्डर, आधा दर्जन बदमाशों ने पीट पीट कर की हत्या, संजय गौतम नाम के शख्स की हत्या, बचाने आए मजदूरों को हथियार दिखाकर भगाया, ईंट से कुचलकर की गई हत्या। ग्रेटर नोएडा में बिजली कर्मियों की पिटाई का मामला आया सामने, बिजली कनेक्शन काटने गई थी टीम, लगातार मिल रही थी बिजली चोरी की शिकायतें, बिजली चोरों ने किया टीम पर हमला, जेई समेत कई लोग घायल, एक की हालत गंभीर। बेरोजगार युवकों से ठगी का मामला आया सामने, रोजगार देने का किया गया था वादा, एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भारतीय किसान यूनियन का एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। बिजनौर में पकड़े गए नकली रसगुल्ले, खाद्य विभाग के साथ एसडीएम ने की छापेमारी, 200 क्विंटल रसगुल्ले जब्त किए गए, एसडीएम ने मिलावटी पाए गए रसगुल्लों को नष्ट करने के दिया आदेश, आरोपी दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कही बात। प्राथमिक विद्यालय में बंदरों का आतंक, 38 बच्चों को काटा, सिलवारी में बंदर बच्चों को बना रहे हैं निशाना, 38 बच्चों को लगवाए गए एंटी रेबीज के टीके, मिड डे मील के बंटवारे के समय लाठी लेकर खड़े होते हैं ग्रामीण, बंदरों के आतंक से ग्रामीण के साथ बच्चे भी भयभीत, वन विभाग ने कहा बजट नहीं कैसे पकड़े बंदर। गाजियाबाद में दो पक्षों में बवाल, गाड़ी टकराने को लेकर हुआ था विवाद, कई गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़, दर्जनों लोगों ने सड़क पर किया कब्जा। बस्ती में बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई, महिला को लोगों ने जमकर पीटा, पुलिस ने महिला को भीड़ से बचाया, मानसिक विक्षिप्त बताई जा रही है महिला। शहर शहर पानी का कहर, कहीं बस्तियां डूबी तो कहीं फसलें हुई बर्बाद, ललितपुर में मुश्किल से बची मछुआरों की जान, झांसी में नदी के पानी ने जीना किया मुहाल, हमीरपुर में सड़क पर रहने को मजबूर हुए लोग, गाजीपुर में भी उफान पर नदियां, गोंडा में सड़कें हुई जलमग्न। हमीरपुर जिले में बाढ़ का खतरा, उफान पर यमुना और बेतवा नदी, एक दर्जन से ज्यादा गांव का मुख्यालय से संपर्क कटा, सैकड़ों एकड़ फसल बाढ़ की चपेट में आकर तबाह, जिला प्रशासन ने शुरू किए बाढ़ से निपटने के इंतजाम।
आगरा में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का हुआ खुलासा। दो पेशेवर हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में, सुपारी लेकर की गई थी हत्या। पुरानी रंजिश में दी गई थी हत्या की सुपारी। कानपुर में वकील की हत्या से मचा हड़कंप। अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पीलीभीत में दो दरिंदों ने की नाबालिग से दरिंदगी। खेत में तमंचे के बल पर नाबालिग से घंटों किया गैंगरेप। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। जनरेटर्स की बैटरी चोरी की। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। लग्जरी कार में चोरी करने आए थे चोर। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दो टप्पेबाजों को किया गिरफ्तार। लोगों को मोबाइल बेचने के नाम पर मोबाइल की डमी फोन बेचकर पैसे लेकर हो जाते थे फरार। पकड़े गए बदमाशों से 7 मोबाइल की डमी, 2 चाकू और 1 स्कूटी बरामद। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर से बदमाशों में खौफ। बुलंदशहर, वाराणसी और प्रतापगढ़ में हजारों के इनामी बदमाश गिरफ्तार। मेरठ में साइबर ठग गिरफ्तार। हॉलीडे पैकेज के नाम पर करते थे ठगी। लोगों से कार्ड्स की डिटेल लेते थे। तीनों ठग दिल्ली के रहने वाले। बिजनौर में तांत्रिक की जमकर की पिटाई। सरेआम दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में राहगीरों ने तांत्रिक को पीटा। लोगों ने जमकर लाठी डंडों से तांत्रिक को पीटा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे तमाशबीन बनी रही। पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल कर कार्रवाई की कर रही है बात। आरोप है कि महिला से तांत्रिक कान का कुंडल ठग कर भाग रहा था, लेकिन मौके पर पकड़ा गया और लोगों ने जमकर कर दी इसकी पिटाई। कौशाम्बी में एबीपी गंगा की खबर का असर। खबर दिखाने के बाद टूटी अधिकारियों की नींद। अधिकारियों ने बंद कराया अंधविश्वास का गोरख धंधा। फतेहपुर में कार सवार की बेरहमी का मामला। छात्र के शव को काफी दूर तक घसीटा। टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। लोगों ने की आरोपी ड्राइवर की पिटाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बरेली के जिला जेल में कैदी की आत्महत्या से मचा हड़कंप। उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने जेल में फांसी लगाकर दी जान। नोएडा में पालतू कुत्ते के काटने पर डेंटिस्ट ने दर्ज कराया महिला के खिलाफ केस। सुबह कुत्ते को लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी महिला, तभी डेंटिस्ट को काटा। गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपए की फीस चुकानी होगी। इसके साथ ही कुत्ता घुमाने के दौरान गंदगी फैलाते पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी है। मेयर आशा शर्मा ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रयागराज में बच्चा चोरी की अफवाह में 2 युवकों की पिटाई के खिलाफ 300 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस ने पिट रहे दोनों युवकों की भीड़ से बचाई जान। अफवाह फैलाने वाला एक शख्स भी गिरफ्तार। ललितपुर में गोविंद सागर डैम से अचानक छोड़े गए पानी में फंसे 4 युवक। मछली पकड़ने नीचे उतरे थे युवक, प्रशासन ने नहीं किया रेस्क्यू का इंतजाम। वाराणसी में पीएम के जन्मदिन को भव्य बनाने की तैयारी शुरू। हनुमान मंदिर में चढ़ेगा 1.5 किलो सोने का मुकुट। पीएम मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर चढ़ेगा मुकुट। 17 सितम्बर को है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। कानपुर में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या। हत्या से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। पुलिस ने संदिग्ध हिस्ट्री शीटर को हिरासत में लिया। श्रीनगर में पाकिस्तान के 2 सैनिक ढेर। सैनिकों के शव ले जाने के लिए आए थे पाक सैनिक, भारतीय सेना ने नहीं ले जाने दिया शव। भारत की गोलीबारी में मारा गया पाक सैनिक। वाराणसी में एक्शन में यूपी पुलिस। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल। दिव्यांग और व्यापारी हत्याकांड में था शामिल। झुन्ना पंडित गैंग का सदस्य है बदमाश। मुजफ्फरनगर में महिला सहित 4 अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरफ्तार। फर्जी अमेरिकन और ईरानी करेंसी बरामद। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। पीलीभीत में 2 दरिंदों ने की नाबालिग से दरिंदगी। खेत में तमंचे के बल पर नाबालिग से घंटों किया गैंगरेप। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। भारतीय टीम ने 106 रन डिफेंड करते हुए बांग्लादेश को 5 रन से हराकर 7वीं बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। ये यूथ वनडे क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा सफलतापूर्वक डिफेंड किया गया सबसे कम स्कोर है। गौरतलब है कि 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट का फाइनल टाई रहा था। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एमएस धोनी के संन्यास को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20 मैच से 1 दिन पहले विराट कोहली ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कप्तान विराट कोहली ने कहा कि भारतीय टीम अगली कुछ सीरीज में नए खिलाड़ियों को मौका देगी।
भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कहा है कि वो बेटे इजहान को जन्म देने से दो रात पहले तक टेनिस खेल रही थी। सानिया ने कहा कि मैं जल्द से जल्द डिलीवरी चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि टेनिस खेलकर शायद कुछ हो जाए। हालांकि सानिया ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन टेनिस खेलकर मैंने अच्छा महसूस किया। इंग्लैंड के स्पिनर मोंटी पनेसर ने कहा है कि भारत अब एक संपन्न राष्ट्र है और जल्द ही वो बाकी देशों को पीछे छोड़ देगा। वहीं पनेसर ने कहा कि राजनीति में उनकी रुचि है और वो लंदन के मेयर बनना चाहते हैं। बकौल पनेसर, मुमकिन है जब मेयर सादिक खान का कार्यकाल समाप्त हो तब मैं लंदन का मेयर बन जाऊं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दुबई की तर्ज पर अगले साल मार्च में देश भर में चार स्थानों पर मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ये मेगा शॉपिंग फेस्टिवल चार विषयों पर केंद्रित होगा, रत्न व आभूषण, हस्तकला, योग, पर्यटन, वस्त्र और चमड़ा। उद्योगपति आनंद महिंद्रा द्वारा तमिलनाडु में एक रुपए में इडली बेचने वाली करीब 80 वर्षीय कमलाथल की मदद के लिए ट्वीट करने के बाद बीपीसीएल एचपीसीएल ने उन्हें गैस कनेक्शन दिया है। दरअसल महिंद्रा ने ट्वीट किया था, अगर कोई कमलाथल को जानता है तो मैं उन्हें एक एलपीजी वाला चूल्हा देना और उनके कारोबार में निवेश करना चाहूंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।